हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग जो है टेस्ट है जी ना, पेज नंबर आप देखेंगे 45 और 46 पर। इसमें हम लोग बच्चों जो है पहला से लेकर के पांचवा तक एक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। आज जो है छठवां क्वेश्चन, ठीक है, ये रिवीजन हो रहा है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम ध्यान दिया है, अभी हम लोग नंबर आपको 20 पढ़ रहे हैं, केवल 20 तक के नंबर इसमें हो सकते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए पेज दे दिया, यहाँ पर पेज और यहाँ पर 14 और यहाँ पर 9, ये नंबर है। और सेकेंड पेज यहाँ देखिए, यहाँ पर मान लीजिए 18 हो गया, 13 हो गया, यहाँ पर 15 हो गया। फिर अगला पेज देखिए, यहाँ मान लीजिए यहाँ पर आपका 15, यहाँ 20 और यहाँ पर आपका आ गया 16। ये हमारा जो है क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन बता रहा है कि सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब जो सबसे छोटा नंबर है इसमें स्टेटमेंट, उसको आप क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। तो आप कंपेरिजन नंबर, आप कंपेरिजन पढ़ चुके हैं, इन तीनों नंबर में आप कंपेरिजन करके पता करेंगे कि कौन सबसे छोटा है। देखिए यहाँ 10 है, 14 है, फिर 9 है। तो काउंटिंग नंबर में जब आप पीरियड पढ़ते हैं डिजिटल नंबर में, तो सबसे पहले आप जो है क्या करते हैं, इन तीनों में सबसे पहले किसका नंबर आता है, 9 का, फिर 10 का, फिर उसके बाद आपका 14 आता है। तो जो सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों, वो क्या होता है, सबसे स्मॉल नंबर होता है, मतलब स्मॉलेस्ट नंबर। तो 9 आपका इसमें क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। इसको आप क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे 18, 13 और 16, ये तीन नंबर आपको दिया गया है। इन तीनों में से कौन जो है स्मॉलेस्ट नंबर, मतलब सबसे छोटा नंबर कौन है, उसको आपको सर्किट करना है। जैसे कि आप जो है पहले सर्किट किए हैं, तो आप पहले पहचानेंगे तीनों में कौन सा, कंपेयर करके जो है पता करेंगे तीनों में कौन सबसे क्या है, छोटा है। तो आप काउंटिंग नंबर जब पढ़ेंगे उसको सीरियल से, तो सबसे पहले आप 13 का नंबर आता है, उसके बाद 15 आता है, उसके बाद तब 18 का नंबर आएगा। तो 13 सबसे पहले आता है, इसलिए 13 क्या होगा, उसको स्मॉले नंबर हो जाएगा, आप उसको आप 13 करेंगे। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, यहाँ उसको लिखा है 15, 20 और 18, ये तीनों नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, मतलब सबसे छोटा। जैसे अभी आप दो क्वेश्चन पीछे आ रहे हैं, उसमें इसमें भी आपको उसी तरीके से कंपेयर करना है। 15 आप सबसे पहले काम कर सकते हैं, उसके बाद 18 का नंबर आता है, उसके बाद 20 का नंबर आता है। तो जो सबसे पहले काम किया जाता है उसको, वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट नंबर। इसको आप क्या करेंगे, सर्किट करेंगे। इस तरीके से स्मॉलेस्ट नंबर को सर्किट करने के लिए कहेगा, तो आप जो है वो जितना भी नंबर देगा उसमें सबसे छोटा नंबर आप चूज करेंगे और उसके बाद उसको सर्किट कर देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, सेकेंड टाइप क्वेश्चन, जस्ट अकॉर्डिंग का
सर्किल का विशेष नंबर बी आई डबल विशेष नंबर सेम वही क्वेश्चन रहेगा आपका, ठीक है। केवल आपको विशेष नंबर को क्या करना है, आपकी सर्किल करना है। आइए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पर देखिए। मान लीजिए यहाँ से दिया आपको एट, यहाँ सिक्स, यहाँ नाइन, ठीक है। और दूसरे सेट में आपका देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए आपको मान लीजिए सिक्सटीन, यहाँ इलेवन और यहाँ थर्टीन। और थर्ड वाले सेट में यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन आपका मान लीजिए यहाँ पर आपको दे दिया फोर्टीन, यहाँ पर फिफ्टीन और यहाँ पर थर्टीन, ठीक है। तो इसमें आपको सर्किल का बिगेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर को सर्किल करना है, जो सबसे बड़ा नंबर है। तो तीन नंबर दिया गया है, तीनों नंबर में आप क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। तो अभी आपने देखा जो इसमें था सर्किल का इस वाले दो नंबर में काउंटिंग नंबर में सीरियल से हम पढ़ते हैं, तो जो सबसे पहले पढ़ते हैं वो क्या होता है, तो स्मॉलेस्ट नंबर होता है। और इसी प्रकार से काउंटिंग नंबर में जो हम सबसे बाद में पढ़ेंगे आफ्टर में, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। जैसे एट, सिक्स और नाइन, सबसे पहले नंबर आता है सिक्स का, उसके बाद ही जो है एट का नंबर आएगा, तब उसके बाद नाइन का नंबर आएगा। मतलब सबसे बाद में किसका नंबर आ रहा है, नाइन का, इसलिए नाइन क्या होगा आपको, ये हो जाएगा आपका बिगेस्ट नंबर और उसको आप सर्किल कर लेंगे। ठीक उसी प्रकार नेक्स्ट में देखिए आप सिक्सटीन, इलेवन और थर्टीन, ये तीन नंबर आपको दिया है, तीनों में आप कंपेयर करेंगे। जैसे इसको एक प्रकार का आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कोई ऑब्जेक्ट आप ले सकते हैं, जैसे सिक्सटीन ऑब्जेक्ट होगा, इलेवन ऑब्जेक्ट होगा और थर्टीन ऑब्जेक्ट होगा। मान लीजिए यहाँ पर पेन, हमने पेंसिल ले लिया या पेन ले लिया, सिक्सटीन पेन, इलेवन पेन और थर्टीन पेन, ये अलग अलग ब्रांच सेट में रखे गए हैं। तो सबसे ज्यादा कौन सा सेट होगा, सिक्सटीन वाला होगा, तो ऐसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। तो एक प्रकार का सिक्सटीन क्या हो जाएगा, तो उसमें बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। तो आप इस तरीके से तरीके करेंगे, सेम उसी तरीके से यहाँ आप कंपेयर कर सकते हैं, फोर्टीन है, एटीन है और यहाँ पर थर्टीन है, ठीक है। तीन नंबर आपको दिया गया है, ये तीन नंबर में बिगेस्ट नंबर को आपको सर्किल करना है। तो आप मान लीजिए एक सेट आप बनाएंगे या एक बॉक्स है, मान लीजिए ठीक, या बैग है, उस बैग में आपका फोर्टी बॉल लगा गया है, दूसरे बैग में एटीन बॉल है, तीसरे बैग में थर्टीन बॉल है, तो किस बैग में जो है ज्यादा बॉल है, ठीक है, कौन सा जो है इसमें क्वांटिटी जो है बात की अधिक है, तो आप देखेंगे सेकेंड बैग, क्योंकि सेकेंड बैग में कितने हैं, एटीन, ठीक है। तो क्वांटिटी आप चेंज करके काउंट करके भी आप पता कर सकते हैं कौन सबसे ज्यादा है, जो सबसे ज्यादा होगा वो क्या होगा, दोस्तों बिगेस्ट नंबर हो जाएगा। तो उसको आप क्या करेंगे, सर्किल कर देंगे। तो ये दो प्रकार का क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सर्किल का स्मॉलेस्ट नंबर एंड सर्किल का बिगेस्ट नंबर। मतलब नंबर आप कंपेरिजन, नंबर का जब कंपेरिजन करेंगे आप, तो उसमें स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट आप कैसे पहचानेंगे, ये दो क्वेश्चन के द्वारा आप समझ सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, आप इसको करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो
नेक्स्ट क्वेश्चन आप पेज आगे पढ़ेंगे, टर्न करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा, ऐड टू कार्ट। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 8 डाल रहे हैं, ऐड द कार्ट। नीचे दिए गए जो आपका टेक्स्ट है उसको ऐड करना है। 2 डिजिट के नंबर में 1 डिजिट के नंबर को ऐड किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल आपका 3 डिजिट है। पहला आप देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए इसमें आपको प्लस करना है 3, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए प्लस करना है 5। यहाँ पर दूसरा नंबर आपको यहाँ पर मान लीजिए आपका टेन है, प्लस आपको यहाँ कर देना है इस तरीके का क्वेश्चन। तो इसमें क्या करना है, आप 14 है, 14 के बाद आप फॉरवर्ड काम करेंगे 3, तो 3 लाइन आप यहाँ पर ट्राई करेंगे 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद 14 के बाद आप फॉरवर्ड काम करेंगे, 14 के बाद क्या करेंगे यहाँ पर 3 इक्वल आप लाइन ट्राई करेंगे और 14 के बाद फॉरवर्ड काम करेंगे तो आएगा आपका 16, 16 एंड 17। तो यहाँ पर क्या आएगा 17 आप इस तरीके से ठीक उसी तरीके से यहाँ जो ये 5 लिखा है 5.1, 2, 3, 4, 5 लाइन ट्रैक करेंगे आप। उसके बाद 13 के बाद आप आगे काम करेंगे, फॉरवर्ड काम करेंगे 5, तो आप क्या करेंगे, देखिए एडिशन वाले में जो है
अलग काम कर रहे थे, यहाँ पर जो है बैकवर्ड काम करेंगे, ठीक है, पीछे बैक काम से। तो यहाँ पर 18 है, तो 18 लाइन आप ड्रा करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। उसके बाद फाइव लाइन क्या करेंगे आप, उसमें से कट करेंगे, कट स्ट्रोक मेथड आपको बताएगा क्या, 1, 2, 3, 4, 5। अब उसके बाद मिडिल लाइन को आप काम करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ क्या हो गया 13। उसी तरीके से इसको आप 18 लाइन क्या करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। इसके इक्वल लाइन ड्रा करेंगे, लिखेंगे, उसके बाद फोर लाइन कट कर देंगे, तो 1, 2, 3, 4 लाइन कट हो गया। तो आप रिमेन लाइन को काम करेंगे
15 हर्ट्ज। ठीक है, इसको आप वाले नंबर से लिखेंगे, सेकंड नंबर आप एक्वेशन लिखेंगे, सेकंड द डिजिट नंबर, डिजिट नंबर को आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपका रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया आपको 18 और यहाँ पर 14 यहाँ पर 17, इसको आप कैसे करेंगे और इसमें दे दिया बच्चों आपका और यहाँ पर और इसमें आपका नंबर अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, ऐड करने के लिए आपको दे दिया किसी भी मैथड में आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर दे दिया 14 + 3, ठीक है 14 + 3 और उसके बाद 18 + 8 और उसके बाद यहाँ पर 2 लिख दे, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए है 13 + 8, अभी आपको बताया गया है और यहाँ पर 15 + 8 और लास्ट क्वेश्चन तो इसके नंबर 4 सब्ट्रैक्ट करना है आपको, यहाँ पर क्वेश्चन है 18 - 4, इसको आप लोग करेंगे और उसके बाद 18 - 6 इसको नोट करेंगे और 18 - 1 इसको और 18 - 3 अलग अलग क्वेश्चन है या समझ अलग क्या तो इसकी 4 क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इसमें दो दो मेथड आपको बताएगा किसी मेथड का आप यूज करेंगे लेकिन आपको इसको सॉल्व करना है। ये आज का जो ये आपका टेस्ट एडिशन था ये समाप्त हो गया बच्चों, इसके बाद मेंटल मैथ एक्टिविटी है, उसके बाद हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा चैप्टर नंबर 5, ये सब जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।